यशोमती मैया के नंदलाला। यशोदा भाभी, जानकी को कच्चू हो गो है, वो कब से अचेत खड़ी है। रानी भाभी भी वही है, आप शीघ्र चलिए, शीघ्र चलो, चलो। प्रभु, ये तो महर्षि दुर्वासा है ना, क्रोध में इन्होंने आपको श्राप दे दिया। तो प्रभु, ये क्या किया आपने? मैंने तो बस एक बाण महर्षि को प्रणाम किया है। साधु महाराज तो बहुत क्रोधित लगते हैं। आज फिर फंस गो कहना। समाप्त ना हुआ श्री रामा, बच के दिखा। ये मैं जीत गो, ये मैं जीत गो। मेरा ध्यान कहीं भटका हुआ था। ध्यान भटकने का दंड पायो, श्री रामा ने जीत का अवसर गमायो। ये तो एक साधारण सा बालक है, ये भगवान नहीं हो सकता। पर मैं इसकी ओर क्यों खींचा चला जा रहा हूँ? मेरा क्रोध इसे देखते ही शांत क्यों हो गया? आपने नायक हो बलदाऊ, इन सबको बता दो मैं जीत गो। अवसर का लाभ उठाया होगा मैंने, इसे न जिता सकते हो आप। पर मैंने इसके सावधान करने के बाद ही कीचड़ फेंका था दाऊ, पर सावधान न था। खेल में तुम्हारा ध्यान भटका श्री रामा, इस पे कान्हा की कोई त्रुटि नहीं है, इसीलिए नियमों के अनुसार खेल का विजेता कान्हा है। आप अपने भाई का पक्ष ले रहे हो? वो जो साधु महाराज खड़े हैं ना, उनसे पूछ ले, वो थोड़ी मेरा पक्ष लेंगे। तो चलो। साधु महाराज, आप भी बताओ ना इसे, मैंने कोई छल क्यों है क्या? ये चोरी करता है, कीचड़ के साथ खेलता है, और अब इस पर छल का आरोप भी है। फिर भी मेरे मन में इस बालक के लिए स्नेह क्यों उमड़ रहा है? जब से मैं आई हूँ, जैसी मूरत बनी खड़ी है। जितने भी उपाय संभव थे हमने सब कर लिए जशोदा जी। जानकी, ए जानकी, क्या होगा? तू कछु सुन पा रही है? मुझे उत्तर क्यों ना दे रही?
हो कौन तुम? क्या तुम सच में श्री नारायण के अवतार हो? मन कर रहा है कि मैं तुम्हारे पास आऊं और तुम्हें अपनी गोद में बिठा लूं, पर क्यों? महाराज, आप बताओ ना मेरे सखाओं को, ये जानना चाहते हैं मैंने कोई छल क्यों है क्या? देखने में छली लग रहा है, पर इसकी ऊर्जा में एक विचित्र सी शुद्धता है, विलक्षण तेज है इसमें। लगता है साधु महाराज स्वयं ही भ्रमित हो गए हैं। हाँ? भ्रमित हो गया हूं मैं। ये सच में भगवान है या केवल एक सुंदर सा बालक? हे प्रभु, इसे क्या होगा इसे? हे नारायण, इस निर्दोष का कष्ट दूर करो प्रभु, इस निर्दोष का कष्ट दूर करो प्रभु, इस निर्दोष का कष्ट दूर करो प्रभु। ये क्या हो रहा है प्रभु? मैया के जगाने पर भी जानकी जाग नहीं रही और आपको देखकर भी महर्षि पहचान नहीं रहे? जानकी अपने भगवान के साथ मेरे साथ एकाकार हो गई है। वो आपके स्पर्श से इस अवस्था में गई है प्रभु। इसका अर्थ है कि अब केवल आपका स्पर्श ही उसे इस संसार में वापस लौटा सकता है। मैया है वहाँ, उनमें मुझमें कोई अंतर नहीं है मुरली। उनका साथ, उनका स्पर्श मेरा ही स्पर्श है। जानकी, भगवान जे तो चमत्कार हो गए हो। जी स्वस्थ हो गई, जानकी स्वस्थ हो गई। जा कुछ बैठने के लिए ला, तू ठीक है? हाँ? एक समस्या तो समाप्त हो गई प्रभु, पर दूसरी सामने खड़ी खड़ी आपको ही ताक रही है। लगता है जे हमारा समाधान ना करेंगे, हमें स्वामी निर्णय करना पड़ेगा कि कान्हा जी तो है कि ना। ब्रह्म की कोई बात ही ना है, कान्हा ही जीता है। छल से मिले जीत को जीतना कहते हैं। प्रभु ये किस अवस्था में है? ये भगवान के प्रति अपनी मान्यताओं और प्रश्नों की माया जाल में स्वयं ही उलझे हुए हैं मुरली। तो अब आप इनकी सहायता कैसे करेंगे प्रभु? माया जाल के उलझन को सुलझाना है तो बहन योग माया की सहायता तो लेनी होगी।
जानकी, तूने ऐसा कुछ देखा था क्या? या ऐसा क्या छू लिया जिससे तू जीती जागती पत्थर की मूर्ति बन गई? मुझे ना पतो, कछु याद ही ना आ रहे हो। कोई आयो था क्या? काना? मेरा काना? हाँ भाभी, वो ही आया था। कब? पूरी दोपहर ही यही तो था। जानकी, काना तो आनंद से विश्राम कर रहा है घर पे। ना भाभी, काना तो यहाँ छुपके छुपके आया था। अरे पर जसोदा जी का लल्ला छुपके छुपके यहाँ क्यों आएगा भला? माखन चोरी करने। एक साथ दो दो कृष्ण, ये कैसे संभव हो सकता है? कौन हो तुम बताओ मुझे। बताओ मुझे कौन हो तुम। जानकी, कुछ भी उल्टा सीधा मत बोल। ना भाभी, उल्टी सीधी कछु ना, सच्ची बोल रही हूँ। काना यहाँ आया था और उसने चोरी से माखन भी खाया। लग तो है तू तन से सचेत हो गई है, किंतु तेरा मस्तिष्क अभी भी अचेत है। भ्रमित हो गई है क्या? ना भाभी, मेरी बात मान। कान्हा शांति से घर पे सो रहा है। भाभी आप मेरी बात मानो, सबसे अंत में कान्हा यहाँ आया था। ये देखो, ये मटकी, इसी से माखन खाया था उसने। पर ये मटकी तो तेरे पास ही थी जब मैं आई थी। मुझे तो लगता है तूने अत्यधिक मात्रा में माखन खा लियो है, इसीलिए तेरा मस्तिष्क घूम गया है। नाना भाभी, मैंने ना कान्हा ने ही खाया है, और वो भी चोरी करके। देख जानकी, तू अस्वस्थ है, इसका अर्थ ये ना है तू मेरे कान्हा के बारे में कुछ भी उल्टा सीधा बोलेगी और मैं सुनती रहूंगी। ना भाभी, पर मैं सच बोल रही हूँ। तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? अभी आप ही बताओ, मैं कान्हा पे गलत आरोप क्यों लगाऊंगी? मुझे स्मरण है अच्छी तरह से। क्या स्मरण है? यही कि कान्हा छुपके से घर के भीतर आया था। और द्वार खुला था? ना, द्वार तो मैंने खोला था और फिर छुप गई थी। लो, कर लो बात। जिसे चोर कह रही है उसके लिए स्वयं द्वार खोल के अपने घर में छुप गई थी। और उस समय माखन कहाँ था? वो वहां टंगी हुई थी। मेरा इतना छोटा सा लल्ला इतनी ऊंची मटकी तक पहुंच भी गयो और माखन भी ले लियो, हाँ? नाना भाभी, मटकी तो मैंने स्वयं ही नीचे रख दी थी। क्या हो गयो तुझे जानकी? मटकी भी तूने स्वयं उतार के दी और कह रही है मेरे लल्ला ने माखन चुराया है। वो भाभी मैं बस देखना चाहती। बस अब बहुत होगा, अब मैं दिखाऊंगी कि पूरी दोपहर मेरा लल्ला घर से बाहर ना निकलो है। सब चलो चलकर देख लो मैं झूठ बोल रही हूँ कि जानकी। चलो सब चलो चलकर देख लो मैं झूठ बोल रही हूँ कि जानकी। चलो एक रही घर पहुँचना होगा, नहीं तो मैया सबके सामने झूठी सिद्ध हो जाएगी। Oh,
आपके दर्शन पाकर मैं तो धन्य हो गया प्रभु, धन्य हो गया। सच में? या फिर आप अब भी यही विचार कर रहे हैं महर्षि कि भगवान इतने सीधे साधे कैसे हो सकते हैं कि चोरी चुपके माखन खाएं और साधारण बालकों के साथ कीचड़ में खेले। इन शंकाओं के कारण आप भूल रहे हैं महर्षि कि मैं किसी एक रूप से नहीं बंधा। जब सृष्टि को मात्स्य के रूप की आवश्यकता थी तब मैंने मात्स्य अवतार लिया। जब संसार को हिरण्यकश्यप के संहार की आवश्यकता थी तो मैंने नरसिंह का रूप लिया। जब एक योद्धा की आवश्यकता पड़ी तब मैंने परशुराम का रूप लिया। और जब संसार को मर्यादा का पाठ पढ़ाना था तो मैं मर्यादा पुरुषोत्तम राम बना। और इसी तरह इस बार मेरी आवश्यकता एक पुत्र के रूप में थी, इसीलिए मैंने पुत्र का रूप धारण किया। ये तो मैं समझ गया हूं प्रभु, किंतु मेरी शंका का समाधान अभी तक नहीं हुआ है। पूछिए, परंतु शीघ्रता कीजिए, मैया के पहुंचने से पहले मुझे घर पहुंचना है। यही तो मैं जानना चाहता हूं प्रभु। कभी आप मैया के डांट से डर रहे हैं, कभी माखन चुराकर खा रहे हैं, कभी मिट्टी से खेल रहे हैं। प्रभु, ये कैसी लीला है आपकी? ये लीला नहीं महर्षि, ये तो प्रेम है। मेरे इस अवतार का आधार ही प्रेम है भक्तों का, सखाओं का, गोपियों का और सबसे बढ़कर मेरी मैया का प्रेम। साधु महाराज, अभी कोई क्रिसमस शेष है? नहीं प्रभु, मुझे मेरे सारे प्रश्नों के उत्तर प्राप्त हो चुके हैं। आशा है कि अब आपकी सभी शंकाओं का समाधान हो गया होगा महर्षि। शंकाओं के मायाजाल से मेरा उद्धार करने के लिए और प्रभु के अद्भुत दर्शन करवाने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद है देवी योग माया। प्रभु तो अभी आपके पीछे ही है महर्षि। अंतहीन तर्क वितर्क के बाद भी हम किसी निर्णय तक नहीं पहुंच पाए, इसलिए हमें सहायता कीजिए साधु महाराज। हाँ, कान्हा ही है अंतिम विजेता। कान्हा जीत गया, कान्हा जीत गया, कान्हा जीत गया। तू तो विरोधी था, तो मेरी जीत का आनंद क्यों बना रहा है? क्योंकि मेरा भी विरोध क्योंकि खेल के साथ समाप्त हो गया। आप ताईजी को कुछ भी बताने की व्यवस्था ना है। तू बच गयो सका? बचूंगो तो तब जब सही समय में घर पहुंचूंगो। सांझ को आज ना होती जानकी, अभी भीतर चल, सब पता चल जाएगा।
जशोदा पूरी नारी मंडली को लेकर क्यों आ रही है? कछु तो गड़बड़ है। यशोदा, मेरे लल्ला के बारे में जो कथा कह रही थी ना, वो कितनी झूठी थी अभी पता चल जाएगा। आओ आओ देख लो तुम सब, ताकि तुम सबको शांति मिल जाए। जय रो मेरा लल्ला। Show me.